वक्त गुजरता जा रहा है, 2 महीने से ज्यादा समय निकल चुका है, लेकिन ये गुत्थी नहीं सुलझ रही है कि आखिर SSR केस का सच क्या है, क्यों आखिर SSR ने इतना बड़ा कदम उठाया था और क्या इसके पीछे वाकई में डिप्रेशन ही कारण थी या फिर SSR के इस स्थिति में उन्हें किसी और ने मजबूर किया था। अब एक नया मामला सामने आया है SSR केस में अध्यात्म गुरु को लेकर। एक आध्यात्मिक गुरु ने बड़ा खुलासा किया है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत की जो गर्लफ्रेंड थी वो सुशांत के डिप्रेशन का इलाज कराना चाहती थी। उन्होंने ये कहा कि वो सुशांत सिंह राजपूत से 22 नवंबर को बीते साल मिले थे, आशीर्वाद उन्हें देकर 23 नवंबर को उनसे फिर वो मिले और सुशांत काफ़ी बेहतर लग रहे थे। तब उनकी गर्लफ्रेंड रिया ने गूगल पर उन्हें ढूंढा था और इस मामले में बांद्रा पुलिस से उन्होंने बताई थी, पूरी जानकारी दी थी। स्टेशन में भी बुलाया गया था, तब वो नहीं जा सके क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन थी और वो काफ़ी डरे हुए थे। ऐसे में उन्होंने कहा कि वो कहना चाहते हैं कि उन्हें पता था नवंबर में आध्यात्मिक गुरु से सुशांत सिंह राजपूत को मिलवाने वाली रिया चक्रवर्ती ही थी, क्योंकि स्पिरिचुअल थॉट्स को लेकर बहुत ज़्यादा ही सुशांत सिंह राजपूत घुले हुए थे और शांत का डिप्रेशन ठीक करवाना चाहती थी रिया, मतलब उसमें कुछ और भी उलझन बताया जा रहा है। ये जो आप चेहरा देख रहे हैं उसी का है जिसके बारे में हम आपके बीच बात कर रहे हैं। वो आध्यात्मिक गुरु के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, कई मीडिया चैनल में इसे लेकर, कई अखबार ने इसे लेकर सच बताया है और सुशांत का इलाज कराने के लिए रिया ही आई थी ये कहना है उस आध्यात्मिक गुरु का। और आध्यात्मिक गुरु के पास रिया क्यों पहुंची थी, लोग ये जानना चाहते हैं कि वो डॉक्टर के पास वो जा सकती थी तो आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत ही क्या थी। तो आपको बता दें रिया ने इस बात की जानकारी भी दी थी कि असल में सुशांत बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थॉट्स की तरफ बढ़ रहे थे, उनके मन को विचलित होने से बचाने के लिए वो बढ़ती थी। अब रिया की ये सच्चाई क्या फिक्र के लिए थी, सुशांत के फिक्र में रिया ऐसा कर रही थी या फिर इसके पीछे कोई और कारण है, अब ये तो रिया ही बेहतर बता सकती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने इंट्रोडक्शन में हर तरह से यही कहा कि सुशांत डिप्रेशन में थे, जिस पर सुशांत के परिवार वाले बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे हैं। सच क्या है, क्यों आखिर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर पूरा सच सामने नहीं आ पा रहा है, क्या वाकई में सुशांत डिप्रेशन से ही जूझ रहे थे या कोई और इसके पीछे का कारण था, ये अब सुशांत ही बेहतर जान सकते थे। जिसे सुशांत से जानने के लिए अब किसी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर ही बात की जा सकती है और अब तक यही बातें कह रही है कि डिप्रेशन से वो जूझ रहे थे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।